Myra Fashion, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. आज हम लोगों ने रेल मंत्रालय ने जो नई नीति अपनाई हुई है कि रेलवे के जो संस्थान हैं उनका निगमीकरण और निजीकरण करने जा रही है, उसके लिए उन्होंने फरमान जारी कर दिया है और उनका एक हिडन एजेंडा भी अभी जारी हुआ है, जिसके तहत सरकार रेलवे संस्थान में जो अभी 13 लाख कर्मचारी का कैडर है उसको घटा करके अगले 3 सालों के अंदर वो 7 लाख कर्मचारी भी लाने जा रही है। इससे रेल संस्थान में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उस पर अत्यधिक भार पड़ने वाला है। सरकार ने सब्सिडी के नाम पे बहुत सारा पैसा जनता पे खर्च करती है, उसकी लागत लगभग साल की 35,000 करोड़ के ऊपर आती है। हमारा ये कहना है कि या तो सरकार इसको एक दायित्व मान करके रेल संस्थान चलाए कि मुझे देश के नागरिकों को ट्रांसपोर्ट सुविधा देनी, जैसी कि उसका दायित्व शिक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है और संरक्षण देना है, तो इसी प्रकार रेल संस्थान को भी दायित्व मान के अपनाए, न कि इसको कमर्शियल मान के। यदि सरकार कमर्शियल मान करके संस्थान को चलाती है तो इस पर जो 25% की जो लिमिटेशन लगा रखी है कि इससे ज़्यादा वो आमदनी नहीं कर सकती, उसको हटा दे या फिर उसको दायित्व अपने ऊपर ले ले और भारतीय नागरिक को ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने का दायित्व भारत सरकार का है, जिसको वो वहन नहीं करना चाहती। उसकी आड़ के अंदर रेलवे को पूर्ण रूप से निजीकरण की ओर ही लेके जा रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ भारतीय रेल के जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको सरकार ने प्राइवेट क्षेत्रों में देने का आदेश जारी कर दिए, जो भारत में लगभग 7 है। चितरंजन है, इलाहाबाद का कोच फैक्ट्री है, इसकी चंडीगढ़ की है, इस तरह की जो उत्पादन इकाइयां हैं इनको बेचने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया। आज आपने कहाँ प्रदर्शन करा? आज हमने मंडल कार्यालय के पोर्च के अंदर सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया है और सरकार के और रेल के अंदर जो अधिकारी वर्ग है वो भी सरकार की इस नीतियों से त्रस्त है। इन्होंने भी एक राइटिंग में एक लेटर रेल मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को लिखा है कि जो कार्यशैली अपना कर सिविल के अधिकारियों को रेलवे में लगाने का काम कर रहे हैं उससे रेलवे की कार्यक्षमता घटेगी, क्योंकि वो लोग रेलवे के बारे में स्पेशलिस्ट नहीं होते। आज हर क्षेत्र के अंदर स्पेशलिस्ट चाहिए, जैसे हड्डियों का डॉक्टर है वो स्पेशलिस्ट होता है, न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट होता है, आँखों का डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, इसी तरह रेलवे के अंदर बहुत सारी विंग बनी हुई है जो अपने कार्य के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट है, उनको हटा के यदि आम एक IAS को लगाएंगे तो रेलवे की कार्यशैली को समझने में नाकाम रहेगा। शशि कुमार महावर, मंडल सचिव UPRMS अजमेर।